तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विजय चमोला अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से और पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। तो चलते हैं, ब्लॉग करते हैं शुरू। और मैं दिखाई दे रही हूँ कि नई लोकेशन, और आज हम हैं इस समय रुद्रप्रयाग के पास। तो ये है सनबैंड, तो सनबैंड का व्यू कुछ ऐसा। और इधर की ओर जाते हैं सनबैंड, और ये है माइकुटी का रास्ता। तो चलते हैं, ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। और क्यों जा रहे हैं हम सनबैंड, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल जा रहे हैं सनबैंड और ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो हेलो फ्रेंड्स, एट लास्ट हम पहुंचे धर्मवाड़ी गांव में, और मेरे साथ हैं मुकुल सर, और यहाँ होने वाला है पांडव नृत्य। तो आज है मोरी की डाली की कौतिक, तो समय लगेगा तो देखेंगे, और नहीं समय लगा तो आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो पिछले वाले ब्लॉग में आपको दिखाई दिया होगा पांडव नृत्य की कुछ झलकियाँ। तो अभी हम यहाँ आए विशेष काम से, तो चलते हैं दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा है धर्मवाड़ी गाँव। तो यह है धर्मवाड़ी गांव, तो यहाँ से एंट्री होगी धर्मवाड़ी गांव की। और ये दिखाई दे रहा पीछे हैंडपम्प, तो धर्मवाड़ी गांव में यह है छपटी रोड, और इधर बना हुआ है ये हमारे यहाँ लगता है ऐसे ऊला, ये तो गाय खाती है इसको एकदम। जब आपके यहाँ बिल्कुल एकदम टॉप क्लास की सर्दी रहेगी तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। और ये लगे हुए हैं ऊले के खुम, तो दिखा तो मैं आपको गाँव का पूरा व्यू। और ये दिखाई दे रहे हैं आपको हमारे जो गांव में दिखाई देता है भ्यूल, भ्यूल के पेड़, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है व्यू। तो चलते हैं, दिखा तो मैं आपको कि रास्ता कैसा है, पानी का धारा भी मिलने वाला है यहाँ पे। तो पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा मैं आपको, और यह होने वाला है पांडव नृत्य, तो ये भी दिखाता हूँ। तो ये है धर्मवाड़ी गाँव के पानी का स्रोत, तो शायद यहाँ से भरते होंगे ये लोग पानी, और हम जा रहे हैं ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस समय धर्मवाड़ी गांव में, और ये दिखाई दे रहा है पुराना मकान। तो ऊपर दिखाई दे रही है त्यौहार, और नीचे दिखाई दे रही है वो उधर की ओर खोली लगी हुई। तो हमारे घर में भी खोली है, लेकिन इस वाली खोली में स्पेशल चीज़ क्या है देखते हैं। है? हाँ। तो ये देखिए आप, तो पहले के ऐसे बनी हुई रहती थी मकाने, और ये देखिए बिल्कुल एकदम एक से एक बिल्कुल ढंग से चिना हुआ होगा पत्थर से। तो ये है पुराने जमाने का मकान, और ये है मैं पहुंचा धर्मवाड़ी गांव। तो धर्मवाड़ी गांव में मैंने आपको दिखाया कि ऐसे ऐसे मकान हैं, और हम निकल रहे हैं गांव के ठीक बीच से, और जाएंगे उधर जहाँ है मोरी की डाली। तो हेलो फ्रेंड्स, ये लगने वाला है मोरी की डाली, और उधर नीचे की ओर गिर गया, ऊपर है तार। तो काफी जबरदस्त सिचुएशन है, और मैं दिखाता हूँ आपको ब्लॉग पर, यूं ही रहेगा, करते हैं कंटिन्यू।
अरे यार कर क्या रहे हैं ये। ऐसा होगा तो छड़ी ना ऐसे नहीं है देव को पकड़े। हाँ क्यों पर रिस्की है ये क्या और कर रहे सीधे तो। हेलो फ्रेंड्स, ये हो रही है मोरी की डाली खड़ी और लगभग हो चुकी है पूरी की पूरा पेड़ खड़ा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हो कैसे रहा है और प्रेशर लग रहा है उधर भी और इधर की साइड भी लगा है प्रेशर और बीच में है मोर की डाली माने चीड़ का पेड़ खड़ा कर रहे हैं बीच में और उसके बाद होगा पांडव नृत्य। तो कैसा होगा ये भी जरूर बताऊँगा। ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, यूँ ही रहेगा कंटिन्यू। अभी मोरी की डाली खड़ी होनी अभी बाकी है क्योंकि पहली बार भी हो गई थी खड़ी और पहली बार गिरी उधर की साइड तो अब फिर हो चुकी है खड़ी। तो देखते हैं कि खड़ी होती है या होता क्या। उधर की साइड देखिए आप पेड़ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है बार बार। अभी प्रेशर उधर लगा हुआ है, इधर भी प्रेशर है, इधर भी है, ये सारे के सारे लोग बाग हो चुके हैं छतों में खड़े कि होता कैसा। तो दिखाता हूँ मैं आपको, चलते हैं ब्लॉग में, यूँ ही रहेगा। ठीक है तो। हेलो फ्रेंड्स, ये दरमाड़ी में देखा मोरी की डाली कैसे लगती है और मोरी की डाली पे जब आपने लगे हुए देखा होंगे तो उस पर दिखाई दे होंगे बहुत सारे फल लगे। तो ऐसी होती है मोरी की डाली खड़ी। अभी दिखाई देने वाला है पांडवों का कौथिक और हम पहुंचे मुगुल सर के रिश्तेदारों के यहाँ। तो ये मुगुल सर हैं और उनके रिश्तेदारों के यहाँ हम गए क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया तो जाना पड़ेगा वहाँ पे भी। तो जैसे कि अगस्त मुनि में बहुत सारे के सारे बंदर हैं तो गाँव में दरमड़ी में भी दिखाई दिए बहुत सारे के सारे बंदर। तो ये देखो बड़े मज़े कर रहे हैं ये। और ये है पुराना घर, तो ऐसा घर होता है गाँव में। तो हेलो फ्रेंड्स, जरूर मज़ा आ रहा होगा ब्लॉग देख के, आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिएगा और ब्लॉग कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। आपको तो कमेंट कर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। हम हैं दरमड़ी गांव में। क्या हो रहा गांव में? पनो नाच रहे। तो क्या क्या देखा तूने उसमें? डमरू। डमरू ढोल दमाऊ। कौन सी क्लास में पढ़ता है? नर्सरी। कहाँ पढ़ता है? तो हेलो फ्रेंड्स, अभी देखी मोरी की डाली और मेरे साथ हैं मुगुल सर और हम मोरी की डाली की कौथिक के बाद चल रहे हैं अपने अगस्त मुनि की ओर। तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा व्यू। तो ऐसा कुछ दिखाई दिया मोरी की डाली की कौथिक। तो ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये जरूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा।